हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आई होप आप सब अच्छे हैं और जो भी मैं वीडियोस आपको बनाकर दे रहा हूँ वो सब आपको पसंद आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा और आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नीटिंग के बारे में। नीटिंग एक बहुत बड़ा, अलग से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम नीटिंग की जो हम सीरीज बनाएंगे वीडियोस की, उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स जो भी नीटिंग से रिलेटेड हैं, नीटिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ होते हैं, कितने टाइप्स की नीटिंग होती है, वो सारी चीज़ें आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस नीटिंग के वीडियोज़ की सीरीज़ में हो सकता है हम 7 या 8 या 10 वीडियोज़ प्रोड्यूस करें। वन बाय वन आपको टॉपिक वाइज ये वीडियो मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम देखते हैं एक बार। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे एक नज़र उस पर डालते हैं। इंट्रोडक्शन टू नीटिंग। नीटिंग होती क्या है, डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग और नीटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वोवन और नेटेड फैब्रिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीटिंग क्या होती है। जिस तरह से हम फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है वीविंग प्रोसेस। वीविंग प्रोसेस के अंदर हम फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। उसी प्रकार से जो सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड है उसको हम नीटिंग बोलते हैं। नीटिंग भी फैब्रिक प्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है जिसके अंदर हम नीटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। वीविंग के अंदर हम वोवन फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं, नीटिंग के अंदर हम नीटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करें नीटिंग की डेफिनेशन की कि नीटिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नीटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच इंटरमेशिंग ऑफ लूप्स ऑफ यार्न इज़ कैरिड आउट टू प्रोड्यूस द फैब्रिक। मतलब हम नीटिंग के अंदर लूप्स की, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लूप्स की हम पहले यार्न से लूप प्रोड्यूस करते हैं, उन लूप्स को हम आपस में इंटरमेशिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो नीटेड फैब्रिक स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम नीटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए हम नीटिंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हम नीटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। नीटिंग मशीन, जैसे हम वीविंग करने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसे हम लूम बोलते हैं। लूम शटल लूम भी हो सकती है, शटललेस भी हो सकती है। उसी प्रकार से हम नीटिंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए नीटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। नीटिंग मशीन भी अलग अलग टाइप की होती है, वार्प नीटिंग मशीन, वेफ्ट नीटिंग मशीन, बट ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नीटिंग प्रोसेस क्या होती है। नीटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लूप्स ऑफ यार्न प्रोड्यूस करके उनके आपस में इंटरमेशिंग करते हैं। ये आप इस डायग्राम में नीटिंग प्रोसेस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको लूप्स दिखाई दे रही हैं, रो ऑफ लूप्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर टोटल 4 लूप रो दिखाई दे रही हैं आपको लूप्स की, और 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं लूप्स के। ये सारी लूप्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हैं, एक लूप दूसरी लूप को हेल्ड किए हुए, सपोर्ट किए हुए। अगर इनमें से कोई भी एक लूप किसी कारण से टूट जाती है तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा डिस्टोर्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को हेल्ड किए हुए हैं, एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो वीविंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वीविंग प्रोसेस क्या होती है, वीविंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न इज कैरिड आउट। मतलब हम वार्प और वेफ्ट यार्न, यानी दो सेट ऑफ यार्न्स को यूज़ करके जब हम उनके आपस में इंटरलेसमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर, तो उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। जबकि नीटिंग के अंदर हम इंटरमेशिंग ऑफ लूप्स कैरी आउट करते हैं, लूप्स की इंटरमेशिंग करते हैं जिसकी वजह से नीटेड फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। तो वोवन फैब्रिक के अंदर हम इंटरलेसमेंट करते हैं दो सेट ऑफ यार्न्स की, जबकि नीटिंग के लिए हमें सिंगल सेट यार्न भी सफिशियंट है। हम सिंगल यार्न से भी नीटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं लूप्स की इंटरमेशिंग करके। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो आप इन दो डायग्राम में देख सकते हैं, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो हमने वीविंग का दिखाया है, वोवन का, और राइट साइड में जो डायग्राम है वो हमने दिखाया है नीटिंग। तो वोवन फैब्रिक के अंदर आपको यार्न्स दिखाई दे रहे हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में यार्न्स हैं उनको हम वार्प यार्न्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यार्न्स हैं उनको हम वेफ्ट यार्न बोलते हैं। तो वीविंग के अंदर दो सेट यार्न के यूज़ होते हैं, पहला है वार्प और दूसरा है वेफ्ट,
और उनकी हमने इंटरलेसमेंट की हुई है अप डाउन इस तरह के कुछ ऑर्डर में। वो ऑर्डर अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो वोवन फैब्रिक का, उसके अंदर इंटरलेसमेंट है। और नीटेड फैब्रिक के अंदर आपको चार वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे हैं लूप्स के, और चार हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे रही हैं लूप्स की। जो वर्टिकल कॉलम है लूप्स के उनको हम वेल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रो हैं जो लूप्स की उनको हम कोर्स बोलते हैं। जिस प्रकार से हम वीविंग के अंदर वार्प यार्न और वेफ्ट यार्न दो टर्म यूज करते हैं, इसी प्रकार से हम नीटेड फैब्रिक के अंदर जो रो हैं लूप्स की उनको, या जो कॉलम है लूप्स के उनको डिफाइन करने के लिए दो टर्म यूज करते हैं, वेल और कोर्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चर देखे आपने, इनके अंदर काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। उसके अंदर नीटेड फैब्रिक के स्ट्रक्चर के अंदर लूप्स हैं, जबकि वोवन फैब्रिक के अंदर कोई लूप्स नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यार्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस था वीविंग प्रोसेस और निटिंग प्रोसेस के अंदर। वीविंग प्रोसेस में हम जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसे लूम कहते हैं, जबकि निटिंग प्रोसेस में निटिंग करने के लिए हम जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसे निटिंग मशीन बोलते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वोवन फैब्रिक एंड नीटेड फैब्रिक। तो वोवन फैब्रिक के अंदर हम वीविंग करने के लिए हमें दो सेट ऑफ यार्न्स की ज़रूरत पड़ती है, वार्प एंड वेफ। वार्प यार्न, वेफ्ट यार्न, दो अलग अलग यार्न्स हम यूज़ करते हैं जिनकी हम इंटरलेसमेंट करते हैं और जिसकी वजह से वोवन फैब्रिक को हम प्रोड्यूस करते हैं। नीटेड फैब्रिक के अंदर अगर हम बात करें तो सिंगल यार्न को यूज़ करके नीटिंग प्रोसेस कैरी आउट की जा सकती है। तो ये पहला डिफरेंस है दोनों फैब्रिक्स के बीच में। दूसरे डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो वोवन फैब्रिक के अंदर जो सप्लाई पैकेज होता है, यार्न सप्लाई पैकेज, वो बीम की फॉर्म में होता है। वार्प यार्न की अगर हम बात करें तो हम एक बीम इस टाइप की, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप की बीम का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम वार्प बीम या वीवर्स बीम कहते हैं। नीटेड फैब्रिक में सप्लाई पैकेज कोन या चीज़ की फॉर्म में हो सकता है। जो धागा हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट स्पिनिंग से जो भी धागा हमने लिया है, कोन या चीज़ की फॉर्म में इस तरह के होते हैं, कोन या चीज़। इनमें से दोनों में से कोई भी एक पैकेज हम यूज़ कर सकते हैं नीटिंग प्रोसेस के अंदर यार्न को सप्लाई करने के लिए। तो ये दूसरा डिफरेंस था कि वीविंग के अंदर सप्लाई पैकेज बीम की फॉर्म में होता है, जबकि नीटिंग के अंदर सप्लाई पैकेज, यार्न सप्लाई जो होता है, वो कौन या चीज़ की फॉर्म में होता है। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो वोवन फैब्रिक के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी कम होती है। वोवन फैब्रिक बहुत कम स्ट्रेचेबल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिस वजह से उन्हें स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम नीटेड फैब्रिक की बात करें तो मोर स्ट्रेचेबल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं नीटेड फैब्रिक, बिकॉज उसके अंदर लूप्स होते हैं, और जब हम उसको लूप्स की स्ट्रक्चर की वजह से ही वो स्ट्रेच हो पाता है नीटेड फैब्रिक। आपने देखा होगा जो भी टी शर्ट होती हैं, सॉक्स होती हैं, स्वेटर्स होती हैं, उनको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती हैं और वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो ये नीटेड स्ट्रक्चर की वजह से और जो हमने लूप्स प्रोड्यूस किए हैं नीटेड फैब्रिक के अंदर, उसकी वजह से ये स्ट्रेचेबिलिटी उसके अंदर आती है। तो वोवन फैब्रिक लेस स्ट्रेचेबल होते हैं या बिल्कुल कम स्ट्रेचेबल होते हैं, जबकि नीटेड फैब्रिक हाईली स्ट्रेचेबल होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेच ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वोवन फैब्रिक के अंदर फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए हमें जिस मशीन की ज़रूरत पड़ती है वो लूम होती है, जबकि नीटेड फैब्रिक के अंदर जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं वो नीटिंग मशीन होती है। लूम काफ़ी बड़ा सेटअप होता है, उसके लिए काफ़ी कॉस्ट हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लूम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जबकि लूम के कंपैरिजन में अगर नीटिंग मशीन की बात की जाए तो उससे काफ़ी कम कॉस्ट में हम नीटिंग मशीन को खरीद सकते हैं और उस पर फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, वोवन फैब्रिक्स आर लेस फुलर, वोवन फैब्रिक्स फुलर कम होते हैं बिकॉज उनके अंदर जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है, यार्न्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है वोवन फैब्रिक का। जबकि नीटेड फैब्रिक्स आर मोर फुलर, नीटेड फैब्रिक्स ज़्यादा फुलावट वाले होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता, लूप्स के अंदर उनका स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ी फुलावट रहती है अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक दोनों के अंदर डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि किसके अंदर ज़्यादा फुलावट है, किसके अंदर कम फुलावट, या फुलर कौन से ज़्यादा फुलर हैं और कौन से लेस फुलर हैं।